कोविड-19 के तहत विभिन्न राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए कंपनी के द्वारा बस भेजी जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर काम पर लौट रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार के दिन गुजरात के राजकोट से कंपनी के द्वारा अमरपुर क्षेत्र के धर्मपुर गांव बस भेजी गई, जिसमें क्षेत्र के धर्मपुर, फतेहपुर, सुभानपुर, इंग्लिश मोड़, सिकनपुर, रजौन आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं युवकों की टोली अपने अपने काम पर लौट गए। मौके पर परमानंद शर्मा, सारथ ताती, सागर ताती, दिलीप ताती, बनवारी कुमार, पुनीत कुमार आदि ने बताया कि हम सभी राजकोट की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत थे। लॉकडाउन में हम लोग काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए 6 माह पूर्व अपने अपने गांव आ गए थे, लेकिन 6 माह तक हम लोगों को कोई काम नहीं मिल पाया, जिस कारण हम लोगों के समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में कंपनी वालों ने हम लोगों को खाने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए की राशि भेजी, साथ ही कंपनी तक जाने के लिए बस मुहैया कराया। हम सभी मजदूर वापस अपनी मर्जी से काम पर लौट रहे हैं। बांका जिला के अमरपुर थाना परिसर में शनिवार के दिन पूर्व की भांति थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय एवं सीओ स्वाति कृष्णा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में अमरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से दर्जनों की संख्या में जमीन संबंधित विवाद को लेकर फरियादी पहुंचकर लिखित आवेदन देकर विवाद के निपटारे की गुहार लगाई। शनिवार के दिन जमीन संबंधी विवाद को लेकर 2 नए आवेदन दिए गए, जिसमें चपड़ी गांव के हरिशंकर राय एवं किशनपुर गांव के विष्णुदेव मंडल ने जमीन बंटवारा करने की गुहार लगाई। वहीं पुराने आवेदन में डुमरिया गांव के आनंदी मंडल की जमीन विवाद पर ऑन द स्पॉट निपटारा करते हुए मौजूद अंचल कर्मी को जमीन की मापी कराने का निर्देश दिया गया, जबकि चपड़ी गांव निवासी अनिता देवी ने बंटवारे को लेकर आवेदन दिया। सभी आवेदनों का अवलोकन करने के बाद सीओ ने अंचल कर्मी को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। मौके पर अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, अंचल राजस्व कर्मचारी विकास कुमार, थाना मैनेजर समेत अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित थे। देश में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रगतिशील किसान मंच अमरपुर के संयोजक राम बालक शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम की एक ज्ञापन अमरपुर बीडीओ राकेश कुमार एवं सीओ स्वाति कृष्णा को सौंपा है। आवेदन में किसानों ने कृषि उपज के विक्रय मूल्य के रूप में सरकारी एवं गैर सरकारी क्रेता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने, कृषकों पर समझौता के रूप में एक तरफा शर्तों को समाप्त करने एवं स्वामीनाथन समिति के सभी शर्तों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई है। मौके पर संयोजक राम बालक शर्मा ने बताया कि शनिवार के दिन किसानों के द्वारा आयोजित चक्का जाम को इंटर की परीक्षा को देखते हुए रद्द किया गया। इस अवसर पर भीकनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह वरीय किसान नारायण शर्मा, अरुण राय, सर्वोत्तम कुमार, कृष्णदेव कुमार, विपिन कुमार राय, सुधांशु कुमार, वीरेंद्र कुमार शर्मा, गोवर्धन सिंह, नरेश शर्मा समेत दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद थे। और आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई वर्ग दुर्दशाग्रस्त रहा तो वह किसान है। किसानों के मूलभूत सुविधा के लिए, किसानों के द्वारा उपज किए जा रहे बड़ी परिश्रम से, मेहनत से, जान पर खेल के उपज का कोई सुनिश्चित कीमत नहीं होने के कारण किसान दुर्दशाग्रस्त है। बाजार में महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज बरोज सरकारी सेवकों का, जनप्रतिनिधि का वेतन बढ़ता जा रहा है, उसी बाजार में हम किसान भी खड़े हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि किसानों की जिंदगी में सुधार हो, और किसानों की जिंदगी में सुधार के लिए यह जो कृषि बिल लाया गया है, इस कृषि बिल से हम लोग असंतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि किसानों के उपज के खरीद कीमत का गारंटी हो, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में 2 पक्षों से महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मी प्रथम पक्ष के श्री प्रकाश चौधरी, सन्नी कुमार, रवि कुमार एवं द्वितीय पक्ष के ओम प्रकाश चौधरी, समीश कुमार एवं रंजू देवी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। वहीं प्रथम पक्ष के श्री प्रकाश एवं द्वितीय पक्ष के समीश कुमार का गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर प्रथम पक्ष के श्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि पैतृक संपत्ति में जबरन हमारे गोतिया ओम प्रकाश चौधरी हिस्सा नहीं देना चाहते हैं।
हिस्सा मांगने पर ओम प्रकाश चौधरी समेत समीश कुमार, रंजीत शर्मा एवं अन्य लोगों ने गड़ासे से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष के जख्मी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि सन 2019 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता के द्वारा बैंक में जमा राशि 10 लाख रुपए धोखे से जबरन मेरे छोटे भाई श्री प्रकाश चौधरी ने निकासी। मामले को लेकर अमरपुर थाने में 420 का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें छोटा भाई श्री प्रकाश व इनके पुत्र जेल चले गए थे। 6 फरवरी को जमानत पर मेरा छोटा भाई जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आते ही गाली गलौज व हरवे हथियार से लैस होकर उक्त लोगों ने घर पर हमला करते हुए सपरिवार जख्मी कर दिया। मामले की लिखित आवेदन दोनों पक्षों ने थाने में देते हुए कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। कि आज अभी जो है ना, इसके पहले 57-20 जो है केस दर्ज है थाना में, 420-379 धारा और सब जो है उसमें भी है कहीं। पिताजी के जो है 10 लाख अवैध निकासी किया है ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया से जो है, पिताजी मरने के बाद, पिताजी 2019-17 जनवरी को एक्सपायर किए और इसके बाद जो है वो पैसा निकासी किया है। अभी जेल में था दोनों को बेटवा, और ये जो है आज तो अभी किया, बेटवा पहले आया था, आया बोला मादर चो तुम हमें जेल में भेजा था, बस सरिया रॉड लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के जो है सटा दिया। अब हम कुछ नहीं, तो प्लान बना रखा था। कौन कौन मारा है आपको? श्री प्रकाश चौधरी, सन्नी कुमार, रवि कुमार उर्फ अनुपम और रंजू बिंदु देवी। बांका के फुल्ली डुमर प्रखंड के संजीवनी जीविका महिला संकुल केंद्र तेलिया मोड़ से कौशल जागरूकता रथ संकुल की अध्यक्षता रंजिता देवी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक संजीव कुमार ने कौशल जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त रथ के माध्यम से प्रखंड के विभिन्न भागों के ग्रामीण युवक युवतियां जो बीपीएल एवं जीविका स्वयं सहायता समूह परिवार से हों या जिन्हें मनरेगा के तहत कम से कम एक वर्ष में 35 दिनों का काम प्राप्त हो, जिनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देते हुए कौशल पंजी शिविर को लेकर जागरूक करेंगे। इस संबंध में परियोजना प्रबंधक श्री कुमार ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत निशुल्क रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए युवक एवं युवतियों को जागरूक करना है। प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण, ऑटोमेटिव रिपेयरिंग सहित 16 ट्रेड निर्धारित है। उक्त प्रशिक्षण के इच्छुक लाभुकों का पंजीयन प्रत्येक संकुल केंद्र पर कौशल पंजी पंजीकरण शिविर का आयोजन कर किया जाएगा। उनके अनुसार संजीवनी जीविका महिला संकुल केंद्र तेलिया मोड़ में कौशल पंजी शिविर का आयोजन आज 10 फरवरी को कैथा पथड्डा, 11 फरवरी को सादपुर एवं केंदुआर एवं 16 फरवरी को राता एवं खेसर में आयोजित किया जाएगा। मौके पर संकुल के कोषाध्यक्ष शीला देवी, सचिव शांति देवी, क्षेत्रीय समन्वयक ब्रजेश कुमार, रोजगार साधन सेवी श्यामलाल मुर्मू, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन अभिषेक लिखापाल बिहारी यादव, राकेश रंजन, कुंदन कुमार एवं दर्जनों जीविका दीदियां उपस्थित थी। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के डुमरामा में आयोजित डीसीए चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जीतकर चांदन की टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। शनिवार को आयोजित पहले सेमीफाइनल में चांदन की टीम ने बिजली चक भागलपुर की टीम को 22 रनों से हराकर यह मुकाम हासिल किया। चांदन टीम के प्रभाकर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला टिंकू अलेबन और गंगापुर गढ़ेल के बीच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में टॉस जीतकर चांदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और खेल का प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रनों का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से शरीफ ने 37, प्रभाकर ने 34 और मनीष ने 22 रन जोड़े। पहली पाली में बिजली चक टीम की ओर से सानू 3 और अराफात ने 2 विकेट लिए। चांदन टीम द्वारा खड़ा किए गए 154 रनों की चुनौती का जवाब देने उतरी बिजली चक की टीम 15 ओवर में सिर्फ 132 रन बनाकर वापस लौट गई। बिजली चक टीम की ओर से तारिक ने 39 और काजू ने 25 रनों का योगदान दिया। दूसरी पाली में चांदन टीम की ओर से प्रभाकर ने 4 और उज्ज्वल ने 2 विकेट झटके। चांदन टीम के प्रभाकर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मैच में अंपायरिंग अजय शर्मा और संजीव कुमार ने की, जबकि रनिंग कमेंट्री मानिक मिश्रा, अनिकेत एवं संजय बंजारा ने किया। इस अवसर पर अर्जुन चक्रवर्ती, वार्ड पार्षद कुंदन कुमार, सौमित्र चटर्जी, रविंद्र राय, बजरंग गिरजक, विनय मालाकार, संजीव शर्मा, छोटू सा, सोनू चटर्जी एवं सौरभ कुमार सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे।